टीवीएस मोटर्स हमेशा ही बेहतरीन दोपहिया गाड़ियां पेश करती है और अब टीवीएस एंटोर की सफलता से उत्साहित होकर कंपनी 23 अक्टूबर को भारत का पहला इलेक्ट्रिक हाइब्रिड स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इसे 2010 के ऑटो एक्सपो में दिखाया था और अब जाकर इस गाड़ी का इंतजार खत्म हुआ है। पर हम आपको इस गाड़ी के बारे में और बताएं उसके पहले प्लीज आप हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। अगर बात करें इस स्कूटर के नाम की तो यह टीवीएस आईक्यूबी है। बात करें इस गाड़ी के इंजन की तो इसमें 110 सीसी का पेट्रोल इंजन तो है, वहीं इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलेगी जो कि 150 वाट आवर्स और 500 वाट आवर्स पावर के ऑप्शन के साथ आती है। अब आपको कौन सा इलेक्ट्रिक मोटर चुनना है वो आपकी मर्जी है। यहाँ खास बात यह है कि इस स्कूटर के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये लगभग वैसा ही दिखता है जैसे ऑटो एक्सपो में था। दिखने में ये पहले से ही स्टाइलिश दिखता है और कुछ अपडेट के साथ इसके लुक को और बेहतर कर दिया गया है। आकर्षक लुक की वजह से ये स्कूटर की तरफ आसानी से हर किसी का लेने का मन चला जाएगा। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इसे आने में देर क्यों हुई तो उसका कारण ये है कि 2010 में देश में ना ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड थी और ना ही जरूरत भर के इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और इसीलिए ये गाड़ी भी भारत में लॉन्च हो गई है। साथ ही भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाना चाहती है और इसी वजह से इस पर सब्सिडी भी मिल रही है जिसके कारण इस स्कूटर की कीमत दूसरे स्कूटर से कम भी हो सकती है। आप इस गाड़ी को खरीदने का मन रखते हैं कि नहीं हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ऐसे ही वीडियो हर दिन देखने के लिए।